Hello student of standard 7, so welcome in our new session of English 2. Today we are continue our revision. Okay, so here first and second question मैंने last time आपको explain किया था and I hope आपने आपकी notebook में revision में लिख लिया होगा. And today we are doing our question third. Join the pair of sentence with suitable vegetative pronoun. So this is Mr. Rana Day, her son is an engineer. तो इसमें जो ये फुल स्टॉप है इसको हमें निकाल देना है. ओके ना, तो दिस इज मिसेज रानाडे हूज सन इज एन इंजीनियर. तो यहाँ से हर और ये फुल स्टॉप दोनों निकल जाएंगे. तो दिस इज मिसेज रानाडे हूज सन इज एन इंजीनियर, यानी हमने यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है इसलिए हमने हर को हटा दिया है. हम इस तरीके से अगर बोलेंगे दिस इज मिसेज रानाडे हूज हर सन इज एन इंजीनियर, इट्स नॉट अ राइट. इसलिए हमें हर को मिस करके हटा के वहाँ से हूज करना है. ओके, I have many promises. I have in to keep them. Okay. I have many promises. I have to keep them. So I have many promises which I have to keep. अब यहाँ पे जब हमने which किया है तो them को निकाल दिया है. And it's full stop. क्योंकि two sentences हैं, दोनों ही independent हैं, दोनों के बीच में दोनों ही में ही full stop use किया गया है, पर हमको इसको conjunct करना है विद अ रिलेटिव प्रोनाउन. सो हम जो बीच यहाँ पे जो हमारा फुल स्टॉप होता है उसको हम निकाल देते हैं. तो आई हैव मैनी प्रोमिसज विच आई हैव टू कीप, विच आया सो डैम को हमने हटाया है यहाँ से. देन नंबर थर्ड, मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल, द ही टीचेज इंग्लिश टू अवर क्लास. तो मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल, ही टीचेज इंग्लिश टू अवर क्लास. वट इज मिस्टर स्मिथ इज अवर प्रिंसिपल, हु टीचेज, ही की जगह आएगा हु. Who teaches English to our class? Okay? He की जगह who आएगा. Who teaches English to our class? He bought her TV set. He sold it after 1 year. He bought her TV set. He sold it after 1 year. तो he bought her TV set which he sold after 1 year. यहाँ से हमने it को निकाला है. ये वर्ड आपको ध्यान रखना है जिसको हमें सेंटेंस में से हटाना है. और एंड फुल स्टॉप बीच में नहीं होगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके ना, सो ही बोथ अ टी वी सेट, ही सोल्ड इट आफ्टर 1 year. तो ही बोथ अ टी वी सेट विच ही सोल्ड आफ्टर 1 year. इट को हटा दिया है बिकॉज यहाँ पे हमारे एक रिलेटिव एक प्रोनाउन ऑलरेडी है तो टू प्रोनाउन यहाँ यूज नहीं करेंगे. दिस इज मिस्टर जोशी, हिज डॉग वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द एनुअल डॉग शो. तो दिस इज मिस्टर जोशी हुज डॉग हिज, फिर से टू प्रोनाउन हो जाएंगे अगर हम इसको यूज करेंगे. फुल स्टॉप निकाला है, हिज को निकाला है. हुज डॉग वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द एनुअल डॉग एनुअल डॉग सो. नंबर सिक्स, आई हैव अ कॉस्टली पेन, इट इज़ अ प्रेजेंट टू मी फ्रॉम माई अंकल. तो आई हैव अ कॉस्टली पेन विच इज़ प्रेजेंट टू मी फ्रॉम माई अंकल. इट की जगह आएगा विच, क्लियर, इट की जगह आएगा विच. सो आई हैव अ कॉस्टली पेन विच इज़ प्रेजेंट टू मी फ्रॉम माई अंकल. नंबर फोर, रिवाइट करेक्टली द सेंटेंस इन विच द रिलेटिव प्रोनाउन आर मिसप्लेस्ड. नंबर वन, द कैसल स्टूड ऑन अ हाई हिल. द कैसल स्टूड ऑन अ हाई हिल विच वॉज बिल्ट इन 1660. अगेन दिस इज अ रिलेटिव प्रोनाउन का है ये तो, पर इसमें क्या है, ये मिसप्लेस है, हमें इनको प्रॉपर करना है. द कैसल विच वॉज बिल्ट इन 1660 स्टूड ऑन अ हाई प्लेस, यानी वो कैसल जो कि 1660 में बना था अभी स्टूड है हाई प्लेस पर. नंबर टू, द प्लांट्स वेयर ईटन बाय द सीप विच ग्रू इन द गार्डन. तो जो प्लांट है जिसको सीप के द्वारा खाया गया है वो कहाँ पे ग्रू कर रहा है, गार्डन में. ओके ना, नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, द प्लांट विच ग्रू इन द गार्डन वे ईटन बाय द सीप, यानी वो प्लांट जो कि गार्डन में ग्रू कर रहा था वो सीप के द्वारा खा लिया गया. नंबर थर्ड, सुजाता वॉज टॉकिंग टू सुरेश हु इज माई सिस्टर. सुजाता वॉज, तो यहाँ आएगा सुजाता हु इज माई सिस्टर वॉज टॉकिंग टू सुरेश. नेक्स्ट इज, सुजाता हु इज माई सिस्टर वॉज टॉकिंग टू सुरेश. ओके, हमें सेंटेंस को जब रीड करते हैं उस टाइम पर ही पता चल जाता है कि दिस इज द रॉन्ग. इट्स अ मैजिक ऑफ लैंग्वेज. आप लैंग्वेज में अगर कुछ भी रॉन्ग बोलते हैं तो आपको बोलते टाइम ही पता चल जाता है कि वेयर इज द मिस्टेक, कहाँ पर रॉन्ग है. द चाइल्ड वॉज टेकन टू द डिस्पेंसरी विच वॉज सिक, दिस इज रॉन्ग. टू द चाइल्ड विच वॉज सिक वॉज टेकन टू द डिस्पेंसरी. नेक्स्ट इज नंबर फाइव, द लेडी मेट अ बेगर हु वॉज इन रेड साड़ी. द लेडी हु वॉज इन रेड साड़ी मेट अ बेगर,
ओके, क्योंकि बैगर द लेडी हु वॉज इन रेड सारी मेड अ बैगर. नंबर सिक्स, द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू द डॉक्टर. द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू द डॉक्टर हु वॉज ब्लीडिंग प्रॉफ्यूसली. तो द इंजर्ड बॉय हु वॉज ब्लीडिंग प्रॉफ्यूसली वॉज टेकन टू द डॉक्टर. ओके, सो यू हैव टू डन इन योर वर्कबुक, होमवर्क, डू इन नोटबुक. सो वी विल मेट अगेन नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय. थैंक यू वेरी मच.